हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर में लेक्चर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्लच और गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, बाकी जो डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव, पीटीओ शाफ्ट और हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, ये सब अगले पार्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, ट्रांसमिशन इज अ स्पीड वेरिंग मैकेनिज्म इक्विप्ड विथ सेवरल गियर्स। ठीक है, ये स्पीड को कम और ज़्यादा करने वाला क्या है, मैकेनिज्म है, जिसमें कई गियर्स लगे होते हैं। ठीक है, इट मे बी कॉल्ड अ सिक्वेंस ऑफ गियर एंड शाफ्ट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, गियर और शाफ्ट का एक सिक्वेंस, थ्रू विच द इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रैक्टर व्हील, जिसके माध्यम से, गियर और शाफ्ट के माध्यम से जो इंजन पावर है हमारा, जो ट्रैक्टर में लगा है, वो ट्रैक्टर व्हील को जाता है, ट्रैक्टर के पहियों को जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोग बता दें कि अभी तक हम लोग आईसी इंजन के दुनिया में थे। ठीक है, तो आईसी इंजन को अब हम लोग उठा के कहाँ लाए हैं, ट्रैक्टर में। ठीक है, तो आईसी इंजन हमारा ट्रैक्टर में वर्क कर रहा है, जिससे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हो रहा है। कहाँ पे? ट्रैक्टर के व्हील में, ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट में। ठीक है, अब हम लोगों को ट्रैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो गियर और शाफ्ट के माध्यम से जो हमारा इंजन का पावर है, वो कहाँ ट्रांसमिट होता है, ट्रैक्टर के व्हील पे। ठीक है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइस, जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं। ठीक है, विच कॉज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द ट्रैक्टर टू सूट डिफरेंट फील्ड कंडीशन। ये जो बहुत सारे इस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में डिवाइस लगे रहते हैं, इसी के कारण जो है कि हमारा ट्रैक्टर आगे और पीछे घूमता है। ठीक है, चलता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड कंडीशन के अनुसार हमें चाहिए होता है, उसके अनुसार ये हमारा ट्रैक्टर आगे पीछे कम ज़्यादा स्पीड में चलता है। ठीक है, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील इज कॉल्ड पावर ट्रेन्स। ठीक है, जो ये कंप्लीट होता है, जब हमारा इंजन पावर व्हील को मिलता है। ठीक है, इंजन का पावर ट्रांसफर होना शुरू हुआ कहाँ तक, जब पावर व्हील तक आ गया, सॉरी ट्रैक्टर के व्हील तक आ गया, तब उसे क्या बोल सकते हैं, पावर ट्रेन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पावर ट्रेन, फंक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या फंक्शन है, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द इंजन टू द रियर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पावर कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, रियल व्हील, मतलब जो हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ट्रैक्टर के पिछले पहिए में जो है कि पावर को ट्रांसमिट करता है, जिससे हमारा ट्रैक्टर का, देखे होंगे कि पिछला पहिया घूमता है, न कि अगला। ठीक है, अगर आगे वाले पहिया को जो कहीं भी किसी सिस्टम से अगर हम स्टॉप कर दे, या ट्रैक्टर अपना हाइड्रोलिक के सिस्टम से उठा कर खड़ा कर दे, तो पीछे वाला पहिया, मतलब कहने का है कि पीछे वाला पहिया अगर हम कैसे भी उठा दे रहे हैं, ठीक है, और इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो पीछे वाला पहिया घूमेगा, लेकिन ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि कार वगैरह में होता है, कुछ कार्स में होते हैं कि आगे वाला पहिया घूमता है ना, तो ट्रैक्टर में क्या होता है कि पीछे वाले पहिए में पावर जाता है। ठीक है, टू अल्टर द रेशियो ऑफ व्हील स्पीड एंड इंजन स्पीड इन ऑर्डर टू सूट द फील्ड कंडीशन। ठीक है, ये क्या करता है, व्हील स्पीड को और इंजन की स्पीड को एक रेशियो में रखता है। ठीक है, मतलब कि जितना हमें ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, जितना हमें इंजन के स्पीड के कंपेयर में हमें अपना जो ट्रैक्टर धीमा ले जाना है। ठीक है, हमारा इंजन बहुत तेज चल रहा है, तो हमारा ट्रैक्टर अभी हमको धीमा चलाना, मान लो कि हम जुताई कर रहे हैं खेत में, तो इंजन तो अपने फुल स्पीड में चलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रैक्टर को धीरे धीरे चलाना है। तो ये क्या करता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ऐसा इसमें सिस्टम है कि ये दोनों को, मतलब इंजन की स्पीड को और व्हील की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जैसा हमें ज़रूरत हो, टू ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल डिवाइस। ठीक है, ये कैसे पावर ट्रांसमिट करता है, राइट एंगल पे। ठीक है, पावर ये हमारा आया, ठीक है, राइट एंगल या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा। ठीक है, बिकॉज द क्रैंक शाफ्ट एंड रियर व्हील एक्सेस आर नॉर्मली एट द राइट एंगल टू ईच अदर।
जो हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है और जो हमारा क्रैंक शाफ्ट और रियल एक्सल जो होता है वो राइट एंगल पे होता है, ठीक है। ट्रैक्टर है हमारा ये, ठीक है। इंजन पावर ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है। तो जब हमारा जो ये रियल व्हील है, सपोज डैक ये हमारा ट्रैक्टर का पावर आ रहा है, तो रियल व्हील इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये किस पे पावर ट्रांसमिट करेगा, राइट एंगल पे। द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कि ये कौन कौन से, इसमें पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं, वो क्या हैं, क्लच है, ट्रांसमिशन गियर्स है, डिफरेंशियल है, फाइनल ड्राइव्स है और रियर एक्सल है और रियर व्हील है, ठीक है। ये छः जो डिवाइस हैं इनके माध्यम से, इन सभी से होते हुए हमारा क्या क्या प्राप्त होता है, ये फाइनल ड्राइव, ठीक है। तो इन सारे डिवाइस के मदद से हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इंजन पावर को कहाँ ट्रांसमिट करता है, रियल व्हील पे, पिछले पहिया पे, ठीक है, ट्रैक्टर के पिछले पहिया पे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिट ऑफ पावर फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट टू द रियर व्हील, ठीक है। इन सारे कंपोनेंट का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कहने का है कि ये सारे कंपोनेंट जो ये हमारे छः कंपोनेंट है, इन सब की मदद से इंजन पावर को, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से रियल व्हील पर भेजने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले ये हमारा अभी हम लोग पढ़े थे फैन रेडिएटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा फैन हो गया, ठीक है, ये चीज़ क्या है, फैन है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ जो ये है रेडिएटर है, जो इंजन को कूलिंग का काम करता है, ठीक है, फैन रेडिएटर, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। ये क्या है, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये क्या है, इसमें लगा क्लच लगा है, ठीक है, ये इसमें क्लचेस लगे हैं। यहाँ पे गियर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी मदद से हम ट्रैक्टर को मतलब किसी भी गियर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लो हाई के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में किसी में कर सकते हैं, या रिवर्स या फॉरवर्ड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पूरा जो सिस्टम है ये डिफरेंशियल यूनिट है, ठीक है, और ये जो है पीटीओ शाफ्ट है, ठीक है। इन सभी कंपोनेंट के बारे में आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ये है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पूरा इंजन हो गया, ठीक है ना। इंजन से पावर आया कहाँ, क्लच में, सबसे पहले पावर क्लच में आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं और गियर लगाते हैं, ठीक है। तो अब गियर से होते 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 कहाँ आ गया, डिफरेंशियल में पावर, ठीक है। गियर के माध्यम से गियर बॉक्स में पावर आकर और हमारे गियर्स चलने लगे, तो कहाँ पावर आ गया, डिफरेंशियल में। अब डिफरेंशियल क्या कर रहा है, शाफ्ट की क्रैंक जो ये हमारी सब क्रैंक शाफ्ट लगी थी, इस ये पावर डिफरेंशियल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे शाफ्ट एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ट्रैक्टर का व्हील हो गया, पिछला पहिया हो गया, ठीक है। तो अब पावर कहाँ जा रहा है, ट्रैक्टर के पिछले पहिए में। तो इंजन का पावर ट्रैक्टर के पिछले पहिया में जब पहुँच जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा था क्लच, क्लच इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द ट्रैक्टर इंजन फ्रॉम द ट्रांसमिशन गियर्स एंड ड्राइव व्हील, ठीक है। क्लच वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग इंजन पावर को कनेक्ट कर सकते हैं या डिसकनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि इंजन पावर को जोड़ सकते हैं या तो हटा सकते हैं, किससे, ट्रांसमिशन गियर से, जो गियर बॉक्स होता है उससे, और ड्राइव व्हील से, जो हमारे पहिया होते हैं। गियर के माध्यम से हम इंजन पावर को अपने ट्रांसमिशन गियर बॉक्स से या तो ड्राइव व्हील से इंजन पावर को जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं। क्लच ट्रांसमिट पावर बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ड्राइविंग मेंबर्स एंड ड्राइविंग मेंबर्स, ठीक है। क्लच क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है किसके माध्यम से, जो ड्राइविंग मेंबर्स होते हैं एंड ड्राइविंग मेंबर्स होता है, ठीक है। तो एक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, अभी फिलहाल बता रहे हैं कि
जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो हमारा ये इंजन पावर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे गियर्स लगे हैं, ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये गियर्स लगे हैं, ठीक है। इंजन पावर के माध्यम से इस शाफ्ट के गियर रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ड्राइविंग मेंबर, ठीक है, ड्राइविंग मेंबर। अब ये किसको चला रहे हैं, ठीक है, एक अलग से ले शाफ्ट लगा है, या तो काउंटर शाफ्ट इसे बोलते हैं, इस वाले गियर्स को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी और आगे अच्छे समझ में आ जाएगा कि ड्राइविन और ड्राइविंग मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लच की आवश्यकता क्यों ट्रैक्टर में पड़ती है, ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ क्लच इन अ ट्रैक्टर इंजन, क्लच की आवश्यकता ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर इंजन में क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन द क्लच इज इंगेज्ड टू ट्रांसमिशन पावर, ठीक है। जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो क्लच क्या करता है, जोड़ता है ट्रांसमिशन पावर को, किससे, फ्रॉम द इंजन टू द गियर बॉक्स, ठीक है। जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्लच के माध्यम से हम इंजन पावर को कहाँ, गियर बॉक्स में जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो गियर बॉक्स में जोड़ेंगे तो हमारा जो गियर्स है रन होने लगेगा, ठीक है ना। तो क्लच के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, क्लच पेडल दबा के गियर चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, इंजन पावर को गियर बॉक्स में जोड़ते हैं या काटते हैं गियर बॉक्स से, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेंज द गियर्स, ठीक है। जब हम गियर्स को बदलते हैं, द गियर बॉक्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम द इंजन पावर, उस समय क्लच क्या करता है, गियर बॉक्स को इंजन के पावर से हटा देता है, डिसकनेक्ट कर देता है, अदरवाइज द गियर टीथ विल बी डैमेज्ड एंड एंड इंगेजमेंट ऑफ गियर विल नॉट बी परफेक्ट, ठीक है। अगर सपोज दैट ये हमारा गियर्स है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे खांचे बने रहते हैं, ठीक है ना, और ये दूसरा हमारा गियर्स है, ऐसे ऐसे खांचे बने हैं, ठीक है। अगर दोनों रोटेट हो रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये दोनों रोटेट हो रहे हैं सेम, मान लो एक इस डायरेक्शन रोटेट हो रहा है और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब कहने का कि इसमें कोई गति नहीं है, किसी भी दिशा में ये रोटेट नहीं कर रहे, तो इसको हम उठा के इजिली फिक्स कर सकते हैं ना, या तो घसका देंगे, ये दोनों आपस में तीथ जो है बैठ जाएंगे, ठीक है, ये जो इसके तीथ हैं ये आपस में सही से सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्थिर अवस्था में है तब तो हमारा क्लच क्या करता है, इन दोनों गियर्स को, सॉरी, जो हमारा इंजन पावर है उसको गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो क्या होता है, ये दोनों गियर्स हमारे जो हैं कि बिल्कुल, मतलब जितने भी गियर रहते हैं वो सब बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो जाते हैं, उसमें कोई रोटेशन नहीं होता है, तो ये टीथ जो है बिल्कुल सही से बैठ जाते हैं इसमें। तो फिर जब हम क्लच छोड़ते हैं तो ये रनिंग कंडीशन में आ जाते हैं, अदरवाइज अगर ये इंजन पावर जो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है और एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब टीथ जो है टूट जाएंगे या तो डैमेज हो जाएंगे, तो हमारा गियर जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। व्हेन द बेल्ट पुली ऑफ द ट्रैक्टर वर्क्स इन द फील्ड इट नीड टू बी स्टॉप विदाउट स्टॉपिंग द इंजन, जब हम अपने ट्रैक्टर को किसी फील्ड में वर्क में लेते हैं, ठीक है, सपोज देख हमने गेहूं लगाया है और उसकी हार्वेस्टिंग कर लिए, गेहूं कटाई कर लिए, अब हमको फील्ड में थ्रेसिंग करना है, ठीक है, तो हमने एक स्टेशनरी थ्रेसर लिया जो ट्रैक्टर से चलता है, ठीक है, हमने थ्रेसर लिया फील्ड में लगा दिया और ट्रैक्टर से उसको चलाना, ऐसा तो है नहीं ट्रैक्टर फील्ड में ऐसे रनिंग कंडीशन में चलेगा, थ्रेसर नहीं चलेगा ना, एक जगह थ्रेसर खड़ा होकर चलेगा, तो उस कंडीशन क्या करता है, ये ट्रैक्टर को स्टॉप रखने के काम में आता है, क्या, क्लच हमारा, ठीक है। तो क्लच क्या क्या करता है, गियर चेंज करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है, फील्ड वर्क में जब ट्रैक्टर हमारा यूज होता है तब उपयोग होता है, ठीक है, और जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो इंजन पावर को गियर बॉक्स पावर से जोड़ने के काम आता है, ठीक है। तो ये फंक्शन इसलिए
क्लच हमारा ट्रैक्टर में बहुत जरूरी है, ठीक है। इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड क्लच। अब एक अच्छे क्लच में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए? इट शुड हैव गुड एबिलिटी ऑफ टेकिंग लोड। कहने का मतलब कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड लेने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव हायर कैपेसिटी टू ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर विदाउट स्लीपिंग, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो हमारा गियर बॉक्स है उसमें ट्रांसफ़र कर सके बिना स्लिप किए हुए, ठीक है। द कंट्रोल बाई हैंड लीवर आर पेडल, ठीक है। जो हम हैंड लीवर से या पेडल से कंट्रोल करते हैं क्लच को, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए? बहुत ईजी होना चाहिए, शुड बी ईजी, मतलब कि बहुत आसानी से वो कंट्रोल हो जाए। ये नहीं कि अपने हम क्लच को दबाए जा रहे हैं, ठीक है, पेडल लीवर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, क्लच को दबाए जा रहे हैं और वो दब ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ईजिली हमारा क्लच जो है प्रेस हो जाना चाहिए और इंजन पावर डिसकनेक्ट हो जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्लच, ठीक है। तो अब क्लच कितने प्रकार के होते हैं? द क्लच आर मेनली थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्रिक्शन क्लच, डॉग क्लच एंड फ्लूड कपलिंग क्लच, ठीक है। ये तीन क्लच होते हैं। फ्रिक्शन क्लच इज मोस्ट पॉपुलर इन फोर व्हीलर ट्रैक्टर। जो हमारे ट्रैक्टर में कौन सा क्लच लगता है? डॉग क्लच, सॉरी फ्रिक्शन क्लच। जो हमारा फोर व्हीलर ट्रैक्टर होता है, जो हम फील्ड में वर्क करते हैं जिस ट्रैक्टर से, उसमें कौन सा क्लच यूज होता है? फ्रिक्शन क्लच, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। डॉग क्लच इज मोस्टली यूज इन पावर टिलर। डॉग क्लच कहाँ यूज होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, वेयर इज द यूज ऑफ डॉग क्लच, ठीक है, पावर टिलर्स में यूज होता है। फ्लूड कपलिंग भी इस समय कहाँ यूज हो रहा है? कभी कभी फोर व्हीलर ट्रैक्टर में यूज हो रहा है, मतलब आए दिनों में कभी कभी, मतलब इस समय जो ट्रैक्टर नए आ रहे हैं उसमें फ्लूड कपलिंग क्लच यूज हो रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन गियर्स, ठीक है। अब गियर्स की ये कुछ, ट्रांसमिशन गियर्स क्या होता है? सबसे पहले गियर्स, जो अभी हम गियर में टीथ बता रहे थे, ये सब टीथ हैं, ठीक है, ये सब टीथ। ये फिगर देख के समझ में आ जाएगा, अगर हम दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे, ऐसे दो है, अगर ये दोनों रनिंग कंडीशन में है तो ये सब टीथ क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन गियर्स क्या होता है? अ गियर्स इज अ टूथेड व्हील, ठीक है, डिजाइन टू ट्रांसमिट टॉर्क टू अनदर गियर आर टूथेड कंपोनेंट, ठीक है ना। तो गियर्स क्या होता है? एक प्रकार का व्हील होता है जिसपे ये टीथ बने होते हैं, ठीक है, जो एक गियर से दूसरी गियर में पावर ट्रांसमिट करने के काम में आता है। तो सबसे पहला ये कौन सा गियर है? स्पर गियर है, ठीक है, और ये कौन सा? हेलिकल गियर्स है, और ये बेवल्स गियर्स है, बेवल गियर्स। तो ये तीन गियर हैं जो हमारे ट्रैक्टर में काम आते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं गियर बॉक्स पे। व्हाट इज गियर बॉक्स, ठीक है। गियर बॉक्स ही एक, गियर बॉक्स को एक प्रकार से कह लो तो ट्रैक्टर का हार्ट है, ठीक है। द हार्ट ऑफ द ट्रैक्टर इज कॉल्ड गियर बॉक्स, ठीक है। बिना गियर बॉक्स के हम ट्रैक्टर में कुछ नहीं कर सकते, कितना भी पावर उसमें दे ले ट्रैक्टर से एक वर्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अ ट्रैक्टर इंजन रन एट हाई स्पीड। ट्रैक्टर का इंजन क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। बट द रियर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर रिक्वायर्स पावर एट लो स्पीड एंड हाई टॉर्क, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्रैक्टर का व्हील है उसे क्या जरूरत है? लो स्पीड की, ठीक है, मतलब हमको ट्रैक्टर को धीमा चलाना है। और हम सपोज है कि ट्रैक्टर के ट्राली में बहुत वजन लाद लिए हैं, लगभग मान लो 50 क्विंटल, ठीक है। तो अब हमें जो रियर व्हील है, जो हमारा पिछला पहिया ट्रैक्टर का, उसे टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। टार्क करने का मतलब कि जब हम लोड बहुत ज़्यादा लिए हैं तो ज़्यादा स्पीड में जा नहीं सकते, अगर ट्रैक्टर को टार्क मिलेगा तभी हमारा ट्रैक्टर जो है फॉरवर्ड मोशन में रन करेगा या बैकवर्ड मोशन में, ठीक है। टार्क करने का मतलब कि स्लिप ना हो हमारा ट्रैक्टर, ठीक है ना। अगर हाई स्पीड में चलेगा तो क्या होगा? हमारा ट्रैक्टर स्लिप कर जाएगा लोड है तो हमें ट्रैक्टर को कैसा पावर चाहिए? धीमा चाहिए और ज़्यादा टार्क, ठीक है। दैट्स वाई इट बिकम्स इसेंशियल टू रिड्यूस द इंजन स्पीड एंड इंक्रीज द टार्क अवेलेबल एट द
रियल व्हील ऑफ द ट्रैक्टर, तब ज़रूरत क्या पड़ती है कि हम इंजन स्पीड को कम करें और जो ट्रैक्टर का हमारा पिछला पहिया है उस पर क्या करें, उसको इस उसका स्पीड धीमा करें और ज़्यादा टार्क अवेलेबल कराएं। सो द गियर बॉक्स इज फिटेड बिटवीन इंजन एंड रियल व्हील फॉर वेरिएबल टार्क एंड स्पीड। इसीलिए ठीक है, जब हमें इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा है और हमें ट्रैक्टर के रियल व्हील को कम स्पीड चाहिए, हाई टार्क चाहिए, ठीक है ना, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको कम स्पीड और हाई टार्क प्रोवाइड कराएं, उसको दें, इसलिए ठीक है, इसलिए हम गियर बॉक्स का उपयोग करते हैं क्योंकि वो वेरिएबल टार्क एंड स्पीड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हम गियर बॉक्स के माध्यम से ही अपने इंजन के पिछले पहिए को ठीक है, जो हमें जिस अकॉर्डिंग हमें स्पीड चाहिए, जितना हमें टार्क चाहिए उतना प्रोवाइड करा सकते हैं गियर बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, दिस इज डन बाय सुटेबल डिवाइस ऑफ गियर एंड शाफ्ट, यह गियर और शाफ्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, प्रोवाइड कराया जाता है। स्पीड वेरीज अकॉर्डिंग टू द फील्ड रिक्वायरमेंट्स एंड सो अ नंबर ऑफ गियर रेशियो आर प्रोवाइड टू सूट द वेरिंग कंडीशन। ठीक है, स्पीड वेरीज अकॉर्डिंग टू द फील्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। ठीक है ना, जो हमें स्पीड है ट्रैक्टर की वो हमें कौन सा वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड चाहिए। सो अ नंबर ऑफ गियर्स रेशियो, ठीक है, इसलिए क्या होता है, कई सारे गियर्स लगे होते हैं एंड प्रोवाइड टू सूट द वेरिंग कंडीशन, जो इन सारे गियर के माध्यम से हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ले सकते हैं। ठीक है, गियर आर यूजली मेड ऑफ, गियर्स किस चीज का बना होता है, अलाउ स्टील का। कॉमन गियर बॉक्स यूज ऑन ट्रैक्टर आर ऑफ टू टाइप, जो गियर बॉक्स में कॉमनली जो ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स यूज होते हैं वो दो प्रकार के यूज होते हैं, कौन कौन से, सेलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप गियर बॉक्स एंड सेकेंड वन है कॉन्स्टेंस मेश गियर बॉक्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स, ये जो दो गियर बॉक्स हैं ये कॉमनली ट्रैक्टर में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये है हमारा गियर बॉक्स। ठीक है, ये ना तो ये इन दोनों में से, ठीक है, ना तो ये सेलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप गियर बॉक्स है ना तो कॉन्स्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स है। ठीक है, ये एक कॉमन गियर बॉक्स है। ठीक है, इसमें कई सारे गियर्स लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, ये एक इडलर गियर होता है जिससे हम अपना ट्रैक्टर बैकवर्ड मोशन में ले जाते हैं। ठीक है, मतलब पीछे ले जाते हैं। ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है और ये काउंटर शाफ्ट या तो ले शाफ्ट है। तो हमारे दोनों शाफ्ट में क्या है, गियर्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आते हैं सेलेक्टिव स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स, सेलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप गियर बॉक्स ना, तो ये गियर बॉक्स कैसा होता है। ठीक है ना, नाम से ही कुछ कन्फर्म हो जाएगा, सेलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप गियर बॉक्स। सेलेक्टिव मीन्स हम जिसको सेलेक्ट करें, स्लाइडिंग मीन्स स्लाइड करते हुए, ठीक है, गियर बॉक्स में। ठीक है, हम जिस गियर को स्लाइड करते हुए सेलेक्ट करें उसे क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप गियर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से कुछ मीनिंग कन्फर्म हुआ, द गियर बॉक्स कंसिस्ट, इस गियर बॉक्स में क्या क्या होता है, गियर हाउसिंग, गियर शिफ्टिंग लीवर, ठीक है, जिसकी मदद से हम गियर को स्लाइड करते हैं, मेन शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट शाफ्ट, ले शाफ्ट या तो काउंटर शाफ्ट, ये पांच कंपोनेंट इसमें होते हैं। अ नंबर ऑफ गियर्स आर माउंटेड ऑन दीज शाफ्ट। ठीक है, अभी हम पीछे डायग्राम में बात किए कि जो हमारा मेन शाफ्ट है और जो काउंटर या ले शाफ्ट है उन पे क्या लगा रहता है, गियर्स लगे रहते हैं। ठीक है, द मेन शाफ्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्लच, जो हमारा मेन शाफ्ट होता है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, क्लच से, एंड कैरियर गियर्स, और उसमें गियर्स लगे रहते हैं। द गियर्स आर लीवल
टू स्लाइड, और वो गियर्स कैसे होते हैं जो हमारे मेन शाफ्ट में स्लाइड कर सके। सपोज दैट ये हमारा मेन शाफ्ट है और इसमें गियर्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारा मेन शाफ्ट है और इसमें गियर्स लगे हुए हैं कई, तो वो कैसा होता है, वो या तो इधर हम इसको स्लाइड कर सकते हैं या तो इधर, ठीक है। द गियर्स आर शिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग लीवर एंड शिफ्टिंग फोर्स, ठीक है। तो हम गियर को शिफ्ट कर सकते हैं किसके माध्यम से, शिफ्टिंग लीवर या तो शिफ्टिंग फोर्स के माध्यम से अपने हम शाफ्ट पे गियर्स को कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। द गियर्स आर शिफ्टेड अलोंग द शाफ्ट, ठीक है। वो गियर कहाँ शिफ्ट होते हैं, शाफ्ट पर, ठीक है। ये हमारा शाफ्ट है, हम अपने गियर्स को इसी पे या तो इधर स्लाइड करेंगे या तो इधर। टू विच दे आर स्प्लाइन टू इंगेज विथ एनदर गियर, ठीक है। जब हम अपने शाफ्ट को, जो हमारा मेन शाफ्ट है, उसको हम जब उस पर गियर को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो जो हमारा काउंटर शाफ्ट है या ले शाफ्ट है, वो गियर इंगेज होके काउंटर शाफ्ट वाले गियर में जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड विल डिजायर टू एंड वेन डिजायर टू कनेक्ट द पावर ट्रेन, और तब क्या होगा, पावर ट्रेन कनेक्ट होगा, ठीक है। द गियर्स आर ऑफ डिफरेंट डायामीटर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ, जो दोनों शाफ्ट में गियर्स लगे होते हैं वो डिफरेंट डायामीटर के होते हैं, ठीक है। मान लो एक ये गियर्स हो गया जिसका डायामीटर 6 इंच है, ठीक है, और एक ये गियर हो गया जिसका डायामीटर 3 इंच है। तो कहने का मतलब है कि जो गियर्स लगे रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर के लगे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, डायग्राम है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमारा जो स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स है वो कैसा है, कैसा वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका वर्किंग सीखा है, अब इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो देखो ये है हमारा क्लच, क्या है, ये हमारा क्लच है, ठीक है, या इसे हम कह लेंगे इनपुट शाफ्ट, जिसमें एक गियर्स, ये वाला गियर्स, ठीक है, हमेशा लगा रहता है, ठीक है, ये हमेशा रनिंग कंडीशन में रहेगा। ये वाला जो गियर है हमारे इनपुट शाफ्ट में, ये हमेशा रनिंग कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो हमारा काउंटर शाफ्ट है इस गियर से कनेक्ट हो गया, जो ये हमारा इनपुट शाफ्ट है इसमें ये गियर रन कर रहा है, ठीक है। तो इस जो काउंटर शाफ्ट है इसमें भी ये गियर लगा है, ये दोनों कनेक्ट हैं, तो ये वाला पूरा शाफ्ट रन करने लगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो गियर्स लगे हैं सारे, तो ये सारे रन करने लगेंगे, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन देखो बताया गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रन करने लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने क्लच शाफ्ट को क्या करते हैं, पहले तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो क्लच दबाते हैं और इंजन को स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये वाला हमारा जो काउंटर शाफ्ट है रन होने लगता है, ठीक है। तो इस शाफ्ट के माध्यम से ये पूरे गियर्स, जो 1, 2, 3 गियर लगे हैं, ये तीनों रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट एंड रिवर्स गियर, सेकेंड गियर, ठीक है, ये यहाँ पे इडलर पुली लगा है, और इस जो हमारा जो इनपुट शाफ्ट है, जो मेन शाफ्ट है, इसमें देखेंगे ये स्प्लाइंस बना हुआ है, ठीक है। सपोज दैट हमारा ऐसा शाफ्ट है, ठीक है ना, ये हमारा ऐसा शाफ्ट है, तो इसमें क्या रहेगा, इस पर स्प्लाइंस बने रहते हैं, ठीक है, खांचे बने रहते हैं, जिसमें ये हमारे गियर्स जो हैं ये स्लाइड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लीवर के माध्यम से या फॉर के माध्यम से इस गियर को कहाँ शिफ्ट करते हैं, सपोर्ट दैट हम इस पर शिफ्ट कर लिए, ठीक है, क्लच को दबाए, हमारा जो इंजन का पावर है वो डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला शाफ्ट का पूरा जो गियर्स है पूरा स्टॉप हो गया, रोटेट नहीं कर रहा है, तो हम फॉर के माध्यम से इस वाले गियर्स को इस पर शिफ्ट कर दिए और क्लच को छोड़ दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इस वाले गियर से ये वाला शाफ्ट रन होने लगा, ठीक है। अगर हमें फिर गियर चेंज करना हुआ तो फिर क्लच को दबाए और ये वाला शाफ्ट स्टॉप हो गया, तो इस वाले गियर को हम फॉर के माध्यम से इस पे कनेक्ट कर लिए, ठीक है, या तो इसी वाले गियर को इस पे कनेक्ट कर लिए, ठीक है।
तो हमारा स्लाइडिंग मेश जो सेलेक्टिव स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स है, ये ऐसे इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो यही फिगर बनाना है। ठीक है, ये इस पे स्प्लाइंस लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये जो गियर्स है ये इसी पे स्लाइड होता है। अब जो हमारा सेकेंड वन है वो है कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ गियर बॉक्स ऑल द गियर्स ऑफ द ले शाफ्ट, ठीक है, इस प्रकार के गियर बॉक्स में सभी गियर्स ले शाफ्ट के, मेन शाफ्ट के एंड क्लच शाफ्ट के आर इन कांस्टेंट मेश। ठीक है, कांस्टेंट मेश रहते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है, अदर एंड द, इस प्रकार के गियर बॉक्स में जो ले शाफ्ट, मेन शाफ्ट और क्लच शाफ्ट, इन तीनों शाफ्ट के जो गियर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष में। ठीक है, एंड द शिफ्टिंग ऑफ द गियर इज ऑब्टेंड बाय द स्लाइडिंग ऑफ डॉग क्लचेस ओवर द स्प्लाइन मेन शाफ्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेंड हाई स्पीड और टॉर्क आउटपुट। ठीक है, इसमें जो है कि सभी जो गियर्स हैं इन तीनों शाफ्ट पे, ले शाफ्ट, मेन शाफ्ट और क्लच शाफ्ट पे जो गियर्स हैं वो एक दूसरे के कांस्टेंट में रहेंगे, कहने का मतलब कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और जो इसमें जो एक हमारा स्लाइडिंग होता है गियर्स का वो डॉग क्लचेस के माध्यम से, ठीक है, डॉग क्लचेस के माध्यम से हम इसमें जो हमारा मेन शाफ्ट है उसमें जो स्प्लाइन लगा रहता है उससे हम गियर को चेंज करते हैं। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो सब अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या है, काउंटर शाफ्ट। ठीक है, काउंटर शाफ्ट में ये सारे गियर्स लगे हैं, एक दो तीन चार। ठीक है ना, ये हमारा क्लच शाफ्ट है। ठीक है, इसमें जो एक पुली हमेशा, सॉरी एक गियर हमेशा रनिंग कंडीशन में रहती है, ये हमारा मेन शाफ्ट हो गया। इसमें जो ये देखो स्प्लाइंस बने हुए हैं, ठीक है, खांचे बने हुए हैं। ठीक है ना, ये सब इसमें खांचे बने हुए हैं। ठीक है, हमारा इंजन पावर आया क्लच शाफ्ट में और ये गियर्स रन करने लगा, जिसके माध्यम से ये इस शाफ्ट के सारे गियर्स रन होने लगे। ठीक है ना, और ये जो गियर्स है और ये वाला गियर्स हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, इसमें ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जो कि स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स में था कि इसे ही स्लाइड करके गियर पे शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन इसमें ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है ना, तो ये वाला भी गियर्स इससे कांटेक्ट में रहेगा। तो पावर आया हमारा क्लच शाफ्ट में और इस शाफ्ट को जो हमारा काउंटर या ले शाफ्ट है इसमें लगे हुए सारे गियर्स रन होने लगे, तो ये भी गियर्स ऑटोमेटिक रन होने लगा। ठीक है, अब कैसे इसमें गियर्स चेंज करते हैं, तो हम अपने क्लच शाफ्ट को रोके, ठीक है, डिस्कनेक्ट किए, ये वाला पूरा जो काउंटर शाफ्ट है इसके गियर्स स्टॉप हो गए, तो इसके भी गियर्स जो है स्टॉप हो जाएंगे, जो मेन शाफ्ट है उसके भी गियर्स स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डॉग क्लच होता है जिसके माध्यम से हम किसको शिफ्ट करते हैं, जो ये है हमारा, ठीक है ना, D1 और D2, ठीक है, इसको हम स्लाइड करके कहाँ सेट किए, स्लाइड किए तो इसमें ये जो एक दो तीन चार पाँच खांचे बने हुए ये जाके इसमें फंस जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम अपना क्लच छोड़ दिए, ठीक है, ये रन करने लगा, तो जो हमारा ये शाफ्ट है वो अब इस वाले गियर से चलने लगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें दूसरा गियर चेंज करना है तो इसको इधर स्लाइड किए, इस वाले गियर से कनेक्ट हो गया और ये रन करने लगा। ठीक है, अगर हमें रिवर्स लेना है तो इसको इधर स्लाइड किए और ये इडलर गियर लगा है, एक आइडलर गियर, इसके माध्यम से ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें हम गियर को स्लाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स तो आप लोगों को एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये वाला नहीं बनाना है, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए कि इसमें ये जो स्प्लाइंस है, जो खांचे हैं, इसमें गियर्स नहीं स्लाइड होता, इसमें जो ये डॉग क्लच है ये वाले चीज़ को हम स्लाइड करके ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें आप लोगों को हम समझा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये हमारा क्लच गियर है, पावर आया ये रन होने लगा। ठीक है, ये हमेशा
कनेक्ट रहता है, इससे हमेशा रन होने लगता है। ठीक है, जो हमारा ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट में ये जो गियर्स हैं इसके माध्यम से ये रन होने लगा, जिससे कि इस शाफ्ट में लगे सारे गियर्स, जो 1 2 3 4 ये सारे गियर्स रन होने लगे। ठीक है ना, कौन से डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। ठीक है, रन होने लगे। तो इसके सहायता से इस वाले शाफ्ट के जो सारे गियर्स हैं वो एक दूसरे से कांस्टेंट है, हमेशा जुड़े हुए हैं, तो ये वाला भी सारा गियर्स रन होने लगा। ठीक है, एक चीज़ और, इस वाले शाफ्ट में ये जो गियर्स हैं ना, ये स्प्लाइंस में कनेक्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्लाइडिंग डॉक क्लच है, ये वाला इस शाफ्ट में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये वाले हमारे गियर्स हमेशा रन में रहेंगे, लेकिन शाफ्ट ये रन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो शाफ्ट है ये रन नहीं करेगा। ठीक है, ये चारों गियर्स जो 1 2 3 4 5 गियर्स दिख रहे हैं, ये सब रन में रहेंगे, लेकिन ये शाफ्ट नहीं रन करेगा। ठीक है, जब हम ये स्लाइडिंग डॉक क्लच के माध्यम से जब हम इसको, ठीक है, स्लाइड करके ये जो खांचे बने हुए हैं इससे जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमारा रन करेगा हमेशा। ठीक है, जब हम यहाँ से क्लच के माध्यम से पावर डिसकनेक्ट करेंगे तो ये वाले शाफ्ट के सारे गियर्स रन करना बंद हो जाएंगे, तो ये भी रन करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे क्या करते हैं, स्लाइड करके इससे जोड़ते हैं, ठीक है ना, डॉक क्लच के माध्यम जब हम इसे स्लाइड करके इस गियर से जोड़े, तो क्या हुआ, अब ये इस गियर, ये वाला गियर्स जो है इसको पावर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ना कि ये वाला जो है, ये जो डॉक क्लच के माध्यम स्लाइड किए, ये इसको पावर ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये वाला गियर्स जो है, ठीक है, इसको पावर ट्रांसफर कर, समझ में आया कि नहीं, जो हम इसको जोड़े तो ये जो सिस्टम है इसको पावर ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, इसको, तो जब ये हमारा स्लाइड होने लगा तो इसके सहायता से ये हमारा रोटेट होने लगा। ठीक है, ये गियर्स इस जो शाफ्ट में हैं ये स्प्लाइन से कनेक्ट नहीं रहते हैं, जिसके माध्यम से हम इसे स्लाइड कर सकते हैं, और ये वाले जो गियर्स हैं, गियर बॉक्स हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यूज में हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके सेकेंड पार्ट में बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।